उत्तराखंड में चिकन के कारोबारियों के लिए अब रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है, जो कि सभी जिलों में चिकन काटने पर प्रशासन ने बैन लगा दिया और दूसरे राज्यों से चिकन लेकर बेचने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कारोबारी खासे नाराज नजर आ रहे हैं। उन्हें अपनी रोजी रोटी का संकट नजर आने लगा है। दरअसल देहरादून सहित उत्तराखंड में चिकन बेचने वालों के लिए जिलाधिकारियों ने एक अभियान चला रखा है, जिसमें चिकन बेचने वालों के चालान किए जा रहे हैं और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो चिकन स्लॉटर हाउस में काट कर लाए तभी बेच सकते हैं। जबकि उत्तराखंड में कहीं भी राज्य सरकार ने स्लॉटर हाउस की परमिशन नहीं दे रखी। यही वजह है कि जिलाधिकारियों के इस फरमान के बाद चिकन बेचने वाले व्यापारियों के लिए रोजी रोटी का संकट पैदा होता नजर आ रहा है। खिलाफ पूरा लामबंद है, हम मोर्चा खोलेंगे इसके खिलाफ, क्योंकि जब हमारी रोजी रोटी पे बात आएगी तो हम क्या कहते हैं सरकार के साथ अपना बात रखेंगे कि हमारी पूरी मदद की जाएगी इसमें। अब हमारे साथ फार्मर भी हैं, फार्मर 10 लाख मुर्गा यहाँ पे तैयार है, उसे कौन लेगा? वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पे काटोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, कहाँ लेके जाएंगे? होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है। देखिए, एक तो